जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी व्हाट आर अमाइंस, इनकी डेफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, नोमेनक्लेचर और फिर इनकी प्रिपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया इन विच, यानी अमाइंस असल में क्या होते हैं, अमाइंस आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय अल्काइल और अराइल ग्रुप। यानी अमोनिया का एक या दो या तीनों एटम्स, उनको आप रिप्लेस कर दें अल्काइल ग्रुप से या अराइल ग्रुप से। अल्काइल ग्रुप कहते हैं जैसे कार्बन की चेन वाले, जिसमें स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन हो सकती है, जैसे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ग्रुप्स। और अराइल ग्रुप्स कहते हैं बेंजीन रिंग वाले ग्रुप्स को। तो हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, तो NH3 में से एक H की जगह हमने रिप्लेस कर दिया R अल्काइल को, तो ये एग्जांपल बन गई प्राइमरी अमाइंस की। आगे सेकेंडरी अमाइन में अगर आप दोनों H रिप्लेस कर दें तो वो सेकेंडरी अमाइन आ गया। अगर आप इसको R यानी सिंगल बॉन्ड्स के लिए यूं भी लिख सकते हैं और इकट्ठा भी R2 यानी दोनों R को इकट्ठा करके भी लिखा जा सकता है। इस तरह अगर आप अमोनिया के तीनों एच रिप्लेस कर दें और उसकी जगह अल्काइल ग्रुप लगा दें तो ये बन जाएगा टर्शियरी अमाइंस। तो प्राइमरी अमाइंस इफ सेकेंडरी अमाइंस एंड टर्शियरी अमाइंस, इसी बात को हम आगे क्लासिफिकेशन में भी देखेंगे। तो R यहाँ अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और अराइल ग्रुप भी हो सकता है। नीचे मैंने एग्जाम्पल्स दी हैं, जैसे इस R की जगह अगर आप मिथाइल ग्रुप लगा दें, इस R की जगह इथाइल ग्रुप लगा दें, या इस R की जगह अगर आप बेंजीन लगा दें यानी अराइल ग्रुप। क्लासिफिकेशन इसकी 3 क्लासेस हैं, प्राइमरी माइंस, सेकेंडरी माइंस एंड टर्शियरी माइंस। ये डिपेंड करता है कि अमोनिया से कितने हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं उस बुनियाद पे। अगर आप सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम अमोनिया से रिप्लेस कर दें अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप से, यानी आप अमोनिया NH3 पे आप एक एच की जगह R ग्रुप लगा दें तो फिर ये बन जाएगा प्राइमरी अमाइन। और इसका इसकी जनरल फार्मूला ये है RNH2, और ये इसकी एग्जांपल्स हैं मिथाइल ग्रुप इथाइल प्रोपाइल सो ऑन आप लगा सकते हैं। सेकेंडरी अमाइंस की डेफिनेशन ऐसे ही आपने देनी कि ओनली ये ऐसी अमाइंस, द अमाइंस इन विच टू हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, बस ये इसमें चेंज कर देना। सेकेंडरी माइंस में आपने ये चेंजिंग करनी है कि टू हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया आर रिप्लेस्ड बाय अल्काइल या अराइल ग्रुप्स। इनका जनरल फॉर्मूला R2NH होता है, यहां से 2H रिप्लेस कर दूसरे का 2 अल्काइल ग्रुप्स जो है वो अटैच है। और एग्जाम्पल इसकी आप देख सकते हैं, अल्काइल ग्रुप की जगह मैंने इथाइल ग्रुप C2H5 2NH। और भी कई एग्जाम्पल आ सकते हैं। टर्शियरी अमाइंस में क्या आप चेंज करेंगे इसी डेफिनेशन में, दी अमाइंस इन विच 3 हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया आर रिप्लेस्ड बाय अल्काइल या अराइल ग्रुप्स। तो इसका जनरल फार्मूला होगा R3NE से मुराद मैंने पीछे का जनरल फार्मूला इज इक्वल टू R3N, यानी तीनों H रिमूव कर दिया उसका अल्काइल ग्रुप्स हैं। तो एग्जांपल के तौर पर मैंने इथाइल 3-ethyl ग्रुप और आगे N। जी नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। कॉमन नेम्स इनका हम देखते हैं कि अल्काइल ग्रुप का नाम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रखते हैं अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप, एंड देन हम इसमें सुफिक्स यानी नेम के एंड पे अमाइन का वर्ड लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल CH3NH2, तो यहाँ CH3 हमारा अल्काइल ग्रुप है, इसका नाम है मीथाइल, और NH2 ग्रुप की वजह से आगे जो सुफिक्स लगेगा वो दैट इज अमाइन। इसी तरह ये प्रोपाइल ग्रुप है और प्रोपाइल ग्रुप का 3 propyl group N से अटैच है, तो इसका नाम जो है वो होगा ट्राइप्रोपाइल अमाइन, क्योंकि ये प्रोपाइल ग्रुप में जो लास्ट वाली कार्बन है वो N से अटैच होती है, यानी CH3, CH2, CH2, यानी एक टर्मिनल कार्बन, एक किनारे वाली कार्बन जब N से अटैच हो
तो इस तरह प्रोपाइल ग्रुप को हम कहते हैं एन प्रोपाइल ग्रुप। तो इसलिए ये तीनों के तीनों प्रोपाइल ग्रुप इसी तरह अटैच है कि इनकी लास्ट यानी एक एंड वाली कार्बन एन से अटैच है, इसलिए इन सब के शुरू में यही आएगा स्मॉल एन, तो इसका नाम ही होगा ट्राई एन प्रोपाइल अमाइन। ये स्मॉल एन स्टैंड फॉर नॉर्मल। अगर आपके पास इस तरह टर्शरी अमाइन आ जाती है तो फिर आपने अल्फाबेटिकली जो सब्सिस्टेंट जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको पहले रखना है, और जो सब्सिस्टेंट्स दो या तीन या चार पर उनके लिए प्रीफिक्सेस यूज करने हैं डायड ट्राई एंड टेट्रा। ये किन के लिए? इफ टू सब्सिस्टेंट्स सेम हो या थ्री हो या फोर हो, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल, ये ग्रुप जो है हमारा इथाइल। और इथाइल क्यों पहले है? क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, और दो मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल, और आगे एन की वजह से अमाइन। यौगिक नेम्स, इनके यौगिक नेम्स में जो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल रूल है वो ये है कि आपने जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है जिसके साथ एन अटैच हो, उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आपने उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन होती है मुतलका अल्केन उसको आपने माइंड में रखना है, और वही आपका पेरेंट नेम के तौर पे काम करेगा। उसका आपने एंड वाला ई जो है रिमूव करना है और उसको रिप्लेस कर देना है विद सुफिक्स अमाइन। यानी कॉमन नेम में भी अमाइन सुफिक्स आता है और यौगिक नेम्स में भी अमाइन ही सुफिक्स आता है, पेरेंट नेम और साथ में अमाइन एज सुफिक्स। बस आपने रिप्लेस कर देना है एंड वाले ई को अमाइन से, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 NH2। इसके आप देखें तो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की यही है, दो कार्बन टू कार्बन है तो टू कार्बन वाली एल्केन कहलाती है इथेन, तो आपने लिखना है इथेन, ई रिमूव करना है और आगे NH2 की वजह से अमाइन इसकी जगह लगा है। इसकी तरफ हम बाद में आते हैं, पहले इसी को इस अगली एग्जाम्पल को देखते हैं। ये थोड़ी सी पेचीदा है जिसमें आप देखें ये कार्बन चेन हमारी लॉन्गेस्ट बन रही है और इस पर वी गेट टू सब्स्टिट्यूएंट्स पोजीशन 3 पे एंड पोजीशन 5 पे। नंबरिंग यू विल स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड वेयर NH2 ग्रुप इज नियरर, यानी आप अल्काइल ग्रुप को नहीं देखेंगे NH2 ग्रुप को देखेंगे, जिधर से वो करीब होगा वहां से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी, इसलिए मैंने इधर से नंबरिंग स्टार्ट की। तो 5 पे हमारा सब्सिट्यूएंट आ रहा है मिथाइल, तो 5 मिथाइल और फिर बाकी ये पूरी पेरेंट अल्केन हेक्सेन बनती है, तो इस हेक्सेन की 3 पोजीशन पे अमाइन ग्रुप है, लिहाजा आप इसके पीछे लिखेंगे 3 हेक्सेन अमाइन। सिमिलरली अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी अमाइंस के नोमेनक्लेचर पे। सेकेंडरी अमाइंस में आप जारी बात है एन के साथ दो अल्काइल ग्रुप्स होंगे, टू अल्काइल ग्रुप्स एन के साथ अटैच होंगे, तो आपने उन अल्काइल ग्रुप्स की एन के साथ जो पोजीशन है वो भी आपने बतानी कि वो एन पर अटैच है। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 ट्वाइस NH, इट मीन ये दोनों जो ग्रुप हैं ये एन पे अटैच है, तो आप लिखोगे एन एन डैश डाई इथाइल, एक एन शो करता है एक इथाइल ग्रुप की पोजीशन को जो एन पर अटैच है, दूसरा दूसरा एन दूसरे इथाइल, एन एन डाई इथाइल अमाइन इसका नाम हो गया। नेक्स्ट हम इसकी तरफ आते हैं, ये भी हमारे पास एक सेकेंडरी अमाइन है, आप इसके सेंटर पे देखें NH लिखा हुआ है, इस तरफ भी एक अल्काइल ग्रुप है इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप है, तो दोनों साइडों पे जो बड़ा अल्काइल ग्रुप है वो आपका पेरेंट नेम के तौर पे आएगा। याद रखें सेकेंडरी माइंस और टर्शरी माइंस में, सेकेंडरी माइंस और टर्शरी माइंस में टू और थ्री अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, तो उनमें से जो ब्रांच्ड होगा या जो तादाद में जिसमें कार्बन्स की तादाद ज्यादा होगी वो आपका जो है वो पेरेंट नेम के तौर पे वो चेन सेलेक्ट की जाएगी। तो इस तरफ 3 कार्बन हैं, इस तरफ आपके 4 कार्बन हैं CH2 CH2, और ये CH3 ट्वाइस है, इसको यूं भी लिखा जा सकता है और सिंपली यूं करके आप लिख सकते हैं। नाउ सेकेंडरी और टर्शरी माइंस में हमेशा आपने नंबरिंग
उसी कार्बन से अटैच करनी जो डायरेक्ट एन से अटैच है, ठीक है। और आपकी पेरेंट डिसाइड होगी, सबसे पहले आपने क्या करना है, पेरेंट चेन डिसाइड करनी है सेकेंडरी और टर्शियरी में। पेरेंट चेन डिसाइड होगी कि वो वाली ये नहीं, अब ये दूसरी है, ये सब्स्टिट्यूएंट होगी, दिस इज आपकी पेरेंट चेन है एंड ये वाली चेन है कार्बन, ये होगा अब सब्स्टिट्यूएंट। नाउ आप देखिए नंबरिंग आपने स्टार्ट करनी है यहां से 1 2 3 एन से स्टार्ट करनी है नंबरिंग। तो 2 पे मिथाइल ग्रुप है तो आपका है 2 मिथाइल कैपिटल एन, और ये कैपिटल एन क्यों है, क्योंकि अब हम इस सब्स्टिट्यूएंट की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। 2 मिथाइल और फिर ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है प्रोपाइल, ये प्रोपाइल एन प्रोपाइल ग्रुप है तो ये कैपिटल एन पे अटैच है, एन एन प्रोपाइल, ठीक है। ये स्मॉल एन मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया, ये किस चीज को बताता है। फिर आगे 1 कार्बन 1 पे ये अमाइनो ग्रुप जो है वो यानी एन अटैच है, तो इसलिए अब हमारी ये पेरेंट चेन होगी ये वाली प्रोपामाइन। लेट्स सी आगे थोड़ा मजीद कॉम्प्लिकेटेड है, ये टर्शियरी अमाइन है हमारे पास टर्शियरी अमाइन। इसमें भी आपने वही रूल लगाना है कि देखना है जो सा जो कार्बन चेन है वो लेंथी है वही आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेनी। तो आप देखें एक कार्बन चेन ये है इनके साथ, इसमें 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है और इधर ये पूरी चेन अटैच है, इधर 5 कार्बन। इट मीन्स आपकी दिस इज योर पेरेंट चेन एंड ये दोनों ही आपके हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पेरेंट चेन के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको पहले मेंशन करना है, जैसे हमने ऊपर किया तो 3 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, 3 मिथाइल। अब आपने बाकी जो एन के ऊपर ग्रुप्स हैं उनकी तरफ आ जाए क्योंकि इधर कोई और सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ठीक है। अब ये पूरा नाम पेरेंट के तौर पर चला जाएगा तो एन के साथ जो बाकी दोनों मिथाइल ग्रुप है इनको मेंशन करो, इनको अल्फाबेटिकली मेंशन करना है, इथाइल मिथाइल एन एन इथाइल मिथाइल, ये 2 N के इस्तेमाल हुए क्योंकि इथाइल भी N पर है मिथाइल भी N पर, एन एन इथाइल मिथाइल 1 पेंटामाइन। देखें 1 पे N अटैच है पहली कार्बन के साथ,